ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां पर माता ज्वाला की 9 अलग अलग ज्वालाएं बिना किसी तेल के चमत्कारिक रूप से निरंतर साल के 365 दिन जलती रहती हैं, और ये ज्वालाएं दिन और रात एक जैसी जलती रहती हैं। अकबर और अंग्रेजों ने इस ज्वाला को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी माता के इस चमत्कार के आगे हार मान गया। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को ज्योता वाली माँ का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। 51 शक्तिपीठ में से एक इस मंदिर में नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। वैज्ञानिक भी इस ज्वाला के लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए हैं। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता की प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहां देवी सती की जीभ गिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वे इस भूगर्भ से निकलती इस ज्वाला का पता नहीं कर पाए कि यह आखिर इसके निकलने का कारण क्या है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इन 9 ज्वालाओं को बुझाने के लिए अकबर ने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दिए। लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। देवी मां की अपार महिमा को देखते हुए उसने 125 मन यानी 50 किलो सोने का छतर देवी मां के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छतर कबूल नहीं किया और वह छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आज भी बादशाह अकबर का यह छतर ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।